देखो, 16वां सवाल। 16वां सवाल है हमारा, इवेल्यूट 0 से पाई लॉग 1 प्लस कोस x डी है। ठीक है, अब देखो ये हमारा सवाल है। अब 0 से a, 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। 0 से a वाली प्रॉपर्टी हमें पता है क्या होती है। अगर 0 से a, 0 से a एफ एक्स डी एक्स है, तो ये हो जाता है 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो ये 0 से a वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा i बराबर 0 से पाई लॉग 1 प्लस कोस। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कोस एक्स की जगह लिख लेंगे पाई माइनस एक्स डी एक्स। अब कोस 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा आज तक से देखेंगे, कोस 180 माइनस थीटा ये साइन का एरिया है, तो ये होता है माइनस का कोस थीटा। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि कोस 180 मतलब पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का कोस थीटा। ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा दी, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग गया। तब आई बराबर हमारा हो जाएगा 0 से पाई लॉग 1 माइनस कोस x डी एक्स, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे, ये फॉर्मूला बन जाएगा लॉग m प्लस लॉग n का, समीकरण 1 प्लस 2। 0 की जगह कुछ और होता तो उसी के हिसाब से सवाल चलता। हाँ, फिर सवाल ही उसी तरीके का होता ना, वो ए प्लस बी वाली लगाते या फिर डायरेक्ट होता वो। ना 0 से π/2 हो या 0 से, इसमें दो लिमिट लग सकती हैं, या तो 0 से a वाली लगेगी या 0 से 2a वाली लगेगी। अब 2 इसमें है नहीं तो हम बना सकते हैं 2 से गुणा 2 से भाग, ऐसे करके बनाना पड़ेगा, समझ गए। मगर इससे कोई फ़ायदा नहीं मिल दिया हमें, इसलिए हमने यहाँ ये वाली लगाई है। अब i प्लस i बराबर कितना हो गया, 0 से π log 1 प्लस cos x dx, समीकरण 1 प्लस 0 से π log 1 माइनस cos x dx। ठीक है, 0 से i और i कितना हो गया 2i बराबर 0 से π, ये अंदर ले लेंगे log 1 प्लस cos x प्लस log 1 माइनस cos x बाहर dx। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया log m प्लस log n का, log mn 2i बराबर 0 से π, ये फॉर्मूला बन गया हमारा log mn का, 1 प्लस cos x इंटू log m इंटू n 1 माइनस cos x dx। अब ये भी फॉर्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 2i बराबर हमारा 0 से π log 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x dx। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 2i बराबर ये हो जाएगा 0 से π log 1 माइनस cos स्क्वायर x dx। ये हो गया। अब देखो एक फॉर्मूला होता हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला लगने के बाद, बड़ा सवाल है इसलिए ध्यान से देखते चलिए, 2i बराबर 0 से π लॉग, ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब लॉग की प्रॉपर्टी है, इसे क्या कर लेंगे 2i बराबर, अभी एक लाइन बढ़ा के चलते हैं, लॉग इसे हम लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर, बाहर दिखा दिया स्क्वायर, और लॉग की प्रॉपर्टी है ये पावर कहाँ आ जाती है, बाहर आ जाती है, तो 2i बराबर ये पावर आ गई हमारी बाहर, पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो i बराबर यहाँ पर हमारा आ गया 0 से π लॉग साइन एक्स डी एक्स। कभी कभी इतना सवाल भी आता पेपर में, यहाँ से सवाल आता पेपर में, कभी यहाँ इतना दे देगा वो, सॉल्व करो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो हमारी स्कीम फेल हो गई। अगर मैं लगाता हूँ साइन 180 माइनस थीटा, अगली प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। इससे समीकरण 3 मान लेता हूँ। अब यहाँ पे कुछ और सोचते हैं,
वही वाली प्रॉपर्टी, जीरो से ए, एक तो जीरो से ए वाली प्रॉपर्टी है ये वाली, और एक जीरो से दो ए वाली है। अब जीरो से दो ए वाली में दो चाहिए यहाँ पे, तो ये बना के देखते हैं हमारी काम करेगी या नहीं करेगी। जीरो से इसे ऐसे लिख लिया पाई को, दो से दो कट जाएगा, बात वही पहुँचेगी लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब इसके लिए हमें पहले चेकिंग करनी पड़ती है ये प्रॉपर्टी लगेगी जीरो से दो ए वाली या नहीं लगेगी, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर्टी हमारी होती क्या है, प्रॉपर्टी हमारी होती है जीरो से दो ए एफ एक्स डी एक्स बराबर, इसमें दो बातें होती हैं, एक में तो दो बाहर आ जाता है जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, ये कब आता, जब एफ टू ए माइनस एक्स बराबर एफ एक्स के होता है, और एक में जीरो आ जाता जब एफ टू ए माइनस एक्स बराबर किसके होता, एफ एक्स के होता, माइनस एफ एक्स के होता, तो जीरो हो जाती। अब यहाँ पर चेक करके देखते हैं, पहले चेक करके देखेंगे, तो यहाँ पे चेकिंग में हेडिंग डाल देता हूँ चेकिंग। यहाँ पे एफ एक्स उठाएंगे, फंक्शन, फंक्शन है हमारा लॉग साइन एक्स, फंक्शन हमारा लॉग साइन एक्स है। अब यहाँ पे एफ टू ए माइनस एक्स मतलब टू इंटू पाई बटे दो माइनस एक्स निकालेंगे, मतलब लॉग साइन टू ए माइनस एक्स टू इंटू पाई बटे दो माइनस एक्स, दो से दो कैंसिल हो गया, साइन एक्स अस्सी माइनस थीटा साइन थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ गया फंक्शन पे, एफ एक्स आ गया, तो इसका मतलब दो बाहर आ जाएगा इसमें, ये प्रॉपर्टी लग गई, इसलिए आई बराबर, इसलिए आई बराबर हमारा हो जाएगा दो बाहर जीरो से पाई बटे दो लॉग साइन एक्स डी एक्स, समीकरण नंबर चार। अब इसमें ए माइनस एक्स वाली लगा देंगे प्रॉपर्टी, ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे। हमें पता है जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर कितना होता है, जीरो से ए एफ ए माइनस एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दें। देखिए आ रही है कि दिखाई दे रहा है, ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आई बराबर जीरो से पाई बटे दो लॉग साइन नब्बे माइनस एक्स, पाई बटे दो माइनस एक्स डी एक्स। अब साइन नाइन्टी माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कोस थीटा। आई बराबर टू इंटू जीरो से पाई बटे दो लॉग, ये हो गया कोस एक्स डी एक्स, समीकरण नंबर पाँच। समीकरण कितने हो गए, पाँच। अब चार और पाँच को जोड़ेंगे, समीकरण चार प्लस पाँच, आई आई कितना हो गया, टू आई, दो जीरो से पाई बटे दो लॉग साइन एक्स डी एक्स प्लस, आ रही है इसमें देखें जरा, प्लस लॉग दो जीरो से पाई बटे दो लॉग कोस एक्स डी एक्स। अब देखो टू आई बराबर दो और इंटीग्रेशन तो आ गया कॉमन, ये हो गया लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कोस एक्स बाहर डी एक्स, ठीक है। इस दो से ये दो कैंसिल हो गया, फिर दोबारा से आई बराबर जीरो से पाई बटे दो लॉग एम एन, लॉग एम एन लॉग साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स, अब ये आ गया। अब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा सवाल पे, अब ये तो अभी तक तो ये साइन अकेला था, अब ये दो हो गए, साइन कोस दोनों एक साथ गुणा में आ गए। अब इन्हें ख़त्म करने का क्या तरीका है, साइन टू एक्स का फॉर्मूला बनेगा, साइन टू एक्स का फॉर्मूला बनाएंगे तो आई बराबर ये हो जाएगा जीरो से पाई बटे दो लॉग दो से गुणा दो साइन एक्स कोस एक्स, दो से गुणा दो से भाग। अब दो से गुणा दो से भाग करिए तो ये फॉर्मूला बन गया साइन टू एक्स का, जीरो से पाई बटे दो लॉग साइन दो एक्स बटे दो डी एक्स। अब ये फॉर्मूला बन गया हमारा लॉग एम बटे लॉग एन, आई बराबर जीरो से पाई बटे दो लॉग साइन टू एक्स माइनस लॉग कितना आ जाएगा टू डी एक्स, ठीक है। अब दो इंटीग्रेशन में बांट लेंगे इसको, आई बराबर जीरो से पाई बटे दो लॉग, अरे वो माइनस में है ना, गुणा में होता तो ले लेते, लॉग साइन टू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन लॉग दो जीरो से पाई बटे दो डी एक्स।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, आई बराबर इसे मान लिया आई वन माइनस लॉग टू को बाहर लिया, 0 से π/2 वन डी एक्स। ठीक है, घुमाती हूँ इसे जरा। अब देखो जरा आई बराबर कितना आ गया हमारा, आई वन माइनस लॉग टू इंटू वन, वन का कितना हो जाएगा एक्स, 0 से π/2। तब आई बराबर हमारा हो गया आई वन माइनस लॉग टू इंटू π/2 माइनस 0। आई बराबर आई वन माइनस π/2 को पहले नंबर पर, लॉग टू। समीकरण नंबर कौन सी हो गई, 6। अब 4i1, बस यही है सबसे भारी सवाल। आई वन के लिए आ गए, आई वन है कितना हमारा, आई वन है हमारा 0 से π/2 log साइन 2x dx। अब 2x को मैं t मान लेता हूँ, 2x को t मान लिया मैंने। अब हाँ अब देखो t मान के, क्योंकि 2x तो कहीं है ही नहीं, मेल ही नहीं खा रही है, सवाल हमारा x में था, अब कहाँ चला गया, 2x में चला गया। अब 2x को ये तो 2 हटाना पड़ेगा। अब माना 2x बराबर हमने मान लिया t, तो 2dx बराबर कितना हो गया dt, और dx बराबर कितना हो गया dt बाई 2। 4 लिमिट, लिमिट भी चेंज करेंगे इसकी, लिमिट्स लिमिट्स के लिए इफ अगर x टेंस टू 0 है तो t टेंस टू कितना हो जाएगा, t टेंस टू भी 0 होगा। इफ एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू है, अगर एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू है, यहाँ पे पाई बाई टू रखेंगे तो टी टेंड्स टू कितना आ जाएगा, पाई। तब हमारा आई वन बराबर हो जाएगा 0 से π लॉग साइन टी और डी टी बटे दो, 1/2। आई वन बराबर 1/2 बाहर निकाल लिया, ये हो गया 0 से π लॉग साइन टी डी टी। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, अगर मैं पैरामीटर इसका बदल दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल वो वाली प्रॉपर्टी इसी सवाल में लगेगी। एक प्रॉपर्टी हमारी थी, देखिए आ रही सुनो ना, अगर 0 से a अगर a से b एफ एक्स डी एक्स है, और मैं यहाँ पे a से b एफ टी डी टी कर दूँ इसको, मतलब पैरामीटर बदल दूँ, तब सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये टी में है तो मैं इसे इस प्रॉपर्टी से बदल सकता हूँ एक्स में, 1/2 0 से π, मैं इसे लिख सकता हूँ लॉग साइन टी की जगह साइन एक्स डी एक्स। अब ये देखो कहीं मैच खा गया होगा किसी समीकरण से, किसी समीकरण में ये आई होगा, समीकरण 3 से इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ आई, समीकरण 3 से आई वन बराबर हो गया 1/2 आई। अब यह मान 6 में रखने पर, यह मान 6 में रखने पर, समीकरण 6 में रख देंगे, आई बराबर 1/2 आई वन की जगह आई माइनस π/2 लॉग 2, 1/2 आई को इधर ले आएंगे, आई माइनस 1/2 आई बराबर माइनस π/2 लॉग 2। अब आई में से ये घटाएंगे, 2 ही का ना 2i, तो कितना बचेगा, हाफ आई बचेगा, हाफ आई बराबर माइनस का π/2 लॉग 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो आई बराबर हमारा आंसर आ गया माइनस का π लॉग 2, ये आंसर। कौन सा सवाल होगा, देखो 17वां सवाल है हमारा, आई बराबर 0 से √x अपॉन √x प्लस ए माइनस एक्स डी एक्स, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब लिमिट देखेंगे कौन सी लिमिट है, 0 से a वाली, साफ साफ दिखाई दे रही है, हाँ a माइनस एक्स वाली, 0 से a वाली लिमिट है, तो प्रॉपर्टी हो जाए लग जाएगी हमारी इंटीग्रेशन की, 0 से a एफ एक्स डी एक्स होता तो हमें पता है 0 से a कितना हो जाता है एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो आई बराबर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हो जाएगा ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स
ए माइनस एक्स प्लस ए माइनस एक्स की जगह कितना लिख लेंगे, ए माइनस एक्स, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ ए माइनस एक्स हो जाएगा। आई बराबर हो गया जीरो से रूट ए माइनस एक्स, नीचे रूट ए माइनस एक्स प्लस ब्रैकेट खोल देंगे ए माइनस माइनस प्लस एक्स डी एक्स, ए से ए कैंसिल हो गया। तब आई बराबर हमारा हो जाएगा जीरो से रूट ए माइनस एक्स बटे रूट एक्स को पहले लिख लेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा, ए माइनस एक्स डी एक्स, समीकरण नंबर दो। अब समीकरण एक और दो दोनों को जोड़ देंगे, इक्वेशन वन प्लस टू मतलब समीकरण एक प्लस दो, तो ये हो जाएगा आई प्लस आई बराबर जीरो से, समीकरण एक है हमारी रूट एक्स बटे रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स डी एक्स प्लस जीरो से, ये हो जाएगा रूट ए माइनस एक्स, समीकरण नंबर दूसरी रूट ए माइनस एक्स बटे रूट एक्स प्लस ए माइनस एक्स बटे रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स डी एक्स। अब इन्हें टू आई बराबर इंटीग्रेशन का निशान बाहर ले लेंगे और ये हो जाएगा हमारा रूट एक्स बटे रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स बटे रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स डी एक्स। हर समान है तो ऊपर ऐसे जुड़ जाएगा, टू आई बराबर जीरो से रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स बटे रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स डी एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया वन। टू आई बराबर जीरो से ए वन डी एक्स, टू आई बराबर वन का कितना हो जाएगा एक्स जीरो से ए, और ये हो जाएगा टू आई बराबर ए माइनस जीरो, टू आई बराबर कितना ए, और आई बराबर ए बटे दो, ये आंसर। देखो जरा अट्ठारहवा सवाल, अट्ठारहवा है हमारा जीरो से चार मोड एक्स माइनस वन डी एक्स, मोड के कई सारे सवाल हमने पढ़े हैं, इसमें देखते हैं इसका जोड़। अब इसका जोड़ कहाँ है, एक पे है, इसका जीरो देख लेंगे, जहाँ पे ये जीरो हो रहा है क्योंकि एक माइनस एक जीरो, तो इसका जोड़ एक पे है, तो एक से दोनों तरफ को इसका ग्राफ है। अभी हमें कहाँ से कहाँ तक देखना है, जीरो से चार तक, तो जीरो ये होगा जीरो से चार तक, ये वाला एरिया हमें निकालना, तो इधर को फंक्शन होता माइनस का माइनस एक्स माइनस वन और इधर को फंक्शन होता प्लस का एक्स माइनस वन, ठीक है। तो इसके दो पार्ट कर लेंगे, आई बराबर इसके दो पार्ट हो जाएंगे जीरो से वन माइनस एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस कहाँ से वन से फोर, वन से फोर प्लस एक्स माइनस वन डी एक्स, दो लिमिट में बढ़ गया ये, माइनस बाहर ले लिया, माइनस बाहर ले लिया तो जीरो से वन एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस वन से फोर एक्स माइनस वन डी एक्स। आई बराबर माइनस बाहर लिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बटे दो और वन का हो गया एक्स जीरो से वन प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर बटे दो और वन का कितना हो गया एक्स वन से फोर। आई बराबर माइनस अपर लिमिट एक का स्क्वायर बटे दो माइनस एक माइनस लोअर लिमिट जीरो का स्क्वायर बटे दो माइनस जीरो प्लस अपर लिमिट चार का स्क्वायर बटे दो माइनस चार माइनस लोअर लिमिट वन का स्क्वायर बटे दो माइनस वन। माइनस ये हो गया एक बटे दो माइनस एक ये पूरा जीरो हो गया प्लस चार चौक सोलह, सोलह का आधा हो गया आठ माइनस चार माइनस एक बटे दो माइनस माइनस प्लस का एक। आई बराबर ये हो गया माइनस का एक बटे दो प्लस एक, आठ में से चार घटाएंगे चार माइनस एक बटे दो प्लस एक। अब देखो माइनस एक बटे दो कितना हो गया, देखो चार और एक पाँच और एक छः, एक बटे दो माइनस दो बटे दो मतलब दो ही करना दो, छः माइनस एक बराबर कितना पाँच, ही आंसर होगा। तो वो सवाल नंबर 19 है हमारा, ये हमें प्रूव करना है कि ये बराबर इसके
और ये उसने दे रखी दो बातें, एफ एक्स बराबर ए माइनस एक्स और जी एक्स प्लस ए माइनस एक्स बराबर चार। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे इसकी। लेफ्ट हैंड साइड में आई बराबर हमें कितना दे रखा, जीरो से एफ एक्स जी एक्स और डी एक्स, समीकरण नंबर एक। अब इसमें ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, हमें पता है इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी जो होती है जीरो से ए वाली एफ एक्स डी एक्स बराबर ये होती है जीरो से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा जीरो से ए एफ ए माइनस एक्स और जी ए माइनस एक्स डी एक्स, समीकरण नंबर दो। अब उसने कुछ दे रखा है, एफ एक्स बराबर तो दे रखा है ए माइनस एक्स, और हमें किसका मान चाहिए, जी ए माइनस एक्स का। जी ए माइनस एक्स का यहाँ से निकल जाएगा मान चार माइनस, तो यहाँ से मान रखेंगे इसका एफ एक्स बराबर, तो रख लेंगे एफ एक्स बराबर ए माइनस एक्स, एफ एक्स बराबर एफ ए माइनस एक्स है, एफ एक्स बराबर एफ ए माइनस एक्स, और जी एक्स का मान यहाँ से निकालेंगे, तो जो जी ए माइनस एक्स का मान निकालेंगे, जी ए माइनस एक्स का, जी ए माइनस एक्स हो जाएगा चार माइनस जी एक्स। ये दोनों मान दो में रखने पर ये दोनों मान यहाँ पर रख दिए। अब आई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, देखो जीरो से ए कितना हो जाएगा, ये तो हो गया एफ एक्स और ये हो गया जी ए माइनस एक्स की जगह चार माइनस जी एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसके अंदर गुणा कर लेंगे, आई बराबर जीरो से ये हो जाएगा फोर एफ एक्स डी एक्स माइनस जीरो से है लिमिट बढ़ती, जीरो से एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। अब देखो जीरो से ये एफ एक्स जी एक्स डी एक्स ये क्या बन गया, आई बन गया समीकरण एक से, यहाँ पर आई रख देंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से ये हो गया आई बराबर जीरो से चार बाहर ले लिया एफ एक्स डी एक्स माइनस का आई, आई को इधर ले आएंगे, आई प्लस आई बराबर ये हो जाएगा चार जीरो से एफ एक्स डी एक्स, दो आई बराबर कितना हो गया चार जीरो से एफ एक्स डी एक्स, दो दुनी चार आई बराबर ये हो गया टू इंटू जीरो से एफ एक्स डी एक्स, ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड आंसर।